वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। हमने एक कप आटा लिया है, आज हम बना रहे हैं मटर के परांठे जो सर्दियों में बहुत ही यम्मी लगने वाले हैं। ये देखिए, हमने मेजरिंग कप से एक कप आटा ले लिया है और ये हमने लिया है सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं परांठे के आटे में थोड़ा सा सॉल्ट डालती हूँ, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको हम पहले मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगाएंगे, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। ये मटर के परांठे बहुत यमी लगेंगे और आप गोभी के खाते हैं, आप प्याज के खाते हैं, सर्दी में आपको ये बहुत टेस्टी लगने वाले हैं, तो ये भी ट्राई कीजिएगा। झटपट बन जाएंगे। और ऐसे आपको आटा मैं पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आटा हमें 10 मिनट के लिए रखना है। ये सेमी सॉफ्ट आटा लगाना है, ये देखिए कुछ इस तरह से, यानी थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और आटा लगाते जाइए ताकि आटा जो है वो पतला ना हो। तो ये देखिए आटा जो है वो ऐसे लग गया है हमारा, ये देखिए। अब हम इसको ऐसे थोड़ी देर ढक कर रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाएंगे और इसको ढक कर रख देंगे। आटा हमने ढककर रख दिया है 10-15 मिनट्स के लिए, तब तक हम तैयारी करते हैं। ये देखिए मैंने मटर ली है एक कप, अच्छे से धो के इनको रख लिया है और इनको अब हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। बिना पानी डाले हम मिक्सी को रोक रोक कर इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए कुछ ये दरदरी मटर इस टाइप से पिस गई हैं, कितना सुंदर कलर है इसका। हमको पेस्ट नहीं बनाना है, बस दरदरा ऐसे पीसना है। तो ये अच्छे से पिस गई है। ये देखिए मैंने 1 इंच अदरक को ग्रेट कर लिया है, 4 से 5 लहसुन भी मैंने ग्रेट कर लिया है। आप बारीक काट सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी मोटी कलियां थी तो ग्रेटिंग करने में आसानी हुई। एक हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कीजिए, नहीं तो रहने दे सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है परांठे का। कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया है और 1/4 टीस्पून हम हींग यूज़ करने वाले हैं। ये ऑयल लिया है हमने, सॉल्ट हम इस पर टेस्ट डालेंगे। ये ऑयल है, पैन गरम हो गया है और इसमें अब हम ये 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। आप घी में भी बना सकते हैं, अगर आप घी में बनाना चाहें, आपकी चॉइस है। अब हम इसमें ये जीरा डाल देंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। इसी के साथ साथ हम इसमें ये अदरक और लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गैस को धीमा रखेंगे, इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से हम इसको भूनेंगे और इसी में अब हम इसमें हींग डाल देंगे, 2 पिंच टू 1/4 टीस्पून आप हींग यूज़ कर सकते हैं, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम ये पेस्ट जो है इसमें डाल देंगे। एक तो भूनने से इसका टेस्ट अच्छा आता है, दूसरे मटर में जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो सूख जाता है, उसी को सुखाएंगे हम, और पराठे में भरने के लिए बहुत आसान होता है। ये देखिए इस टाइप से हम इसको भून लेंगे और इसी समय हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, और जो हमने ये लाल मिर्च रखी है वो डालेंगे, अमचूर पाउडर डालेंगे, धनिया डाल देंगे कटा हुआ, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। और ये देखिए हरे हरे पराठे बनने वाले हैं, हरी फिलिंग है। इस तरह से हम इसको भून लेंगे, इस समय आप टेस्ट करके देख लीजिए।
कुछ भी आपको कम ज़्यादा लग रहा है ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, यानी 2 मिनट में ही ये अच्छे से भुन जाता है और टेस्ट से भी आपको पता लग जाता है। अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए मेरी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। अभी तक आप नए हैं चैनल पर और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। और इसमें ये लहसुन और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। आइए इसको ठंडा होने देते हैं। और अब तब तक हमारा मसाला ठंडा होता है, हम एक क्विक चटनी बनाते हैं। हमने धनिया ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे ये 1.5 हरी मिर्च, 1.5 हाफ टी स्पून जीरा, 1 इंच अदरक और 4 से 5 कलियां लहसुन की, ये हम इसमें डाल देंगे। झटपट से तैयार हो जाएगी ये चटनी और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगेगी। 1/4 टीस्पून वाइट सॉल्ट, 1/4 टीस्पून रॉक सॉल्ट, काला नमक और सफ़ेद नमक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं। और ये डालेंगे हम इसमें लेमन, हाफ लेमन का जूस मैं इसमें डाल रही हूँ और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, यानी हाफ लेमन जूस। और इसको मिक्स करेंगे। अगर मिर्ची तीखी है तो आप कम डाल दीजिए, अगर तीखी नहीं है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और पहले मैं इसको ग्राइंड करके देखूंगी क्योंकि मेरी जो धनिया है वो गीला है थोड़ा, अदरवाइज आप 1 टेबलस्पून पानी डालकर इसको पीस सकते हैं। तो आइए इसको ग्राइंड करते हैं। और ये देखिए कितना सुंदर कलर ये आया है चटनी का, देखिए कितनी अच्छी पिसी है। थोड़ा सा हमने पानी डाल लिया है इसमें, दरदरी रखी है मैंने थोड़ी, आप चाहें तो और पतला कर सकते हैं। और बहुत टेस्टी है, काले नमक का फ्लेवर, जीरे का फ्लेवर बहुत यमी लगने वाली है। और मैंने इसमें आधा कप कटा हुआ धनिया, मतलब सोचिए आधा कप ही आपका धनिया हो, बहुत कम चटनी ये बनाई है मैंने। और ये रेडी भी आधा कप ही होगी, देखिए कितनी टेस्टी। तो पराठे के साथ आज बहुत यमी लगने वाली है। चटनी बन गई है, मसाला बन गया है और हम आटा चेक कर लेते हैं। यस, आटा भी बहुत अच्छा हो गया है। 10 मिनट रखने से आटा जो है वो बढ़िया हो जाता है, क्योंकि हमने इस पर ऑयल लगा दिया था थोड़ा सा, तो ये अच्छा चिकना हो जाएगा और इसका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट डो है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, यानी सेमी डो है, सेमी सॉफ्ट। अब हम आटे की लोई तोड़ेंगे। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उतनी बड़ी आप लोई ले सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा छोटा बनाना है थोड़ी छोटी ले लीजिए, थोड़ा बड़ा बनाना है थोड़ी बड़ी ले लीजिए। और अब हम इसको, तवा हमने गर्म होना रख दिया है, सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसको बेलेंगे। थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, थोड़ा छोटा बेलेंगे अभी, क्योंकि हमें इसमें फिलिंग डालनी है। और अब हम जो फिलिंग तैयार है, जिसका नमक वगैरह हमने चेक कर लिया है, हालांकि अभी थोड़ी सी गर्म है बट आप इसको ठंडा करके यूज़ कीजिएगा, इसको इसमें भरेंगे और ऐसे प्लीट्स डालते हुए इसको सील करेंगे। ये देखिए, और फिर से सूखे आटे में डस्ट करेंगे और इसको हल्का सा ऐसे हाथ से बढ़ाएंगे। और हल्का हल्का बेलन चलाते हुए इसको बढ़ाएंगे। ये देखिए, आपको अंदर से फिलिंग इसकी दिख रही है, क्योंकि पराठा बनाएं और उसमें फिलिंग बहुत कम हो तो वो मज़ा नहीं आता है पराठे का। अब देखिए इधर से बिल्कुल भी फट नहीं रहे हैं और फिलिंग जो है वो परफेक्ट है। बस ऐसे आपको सभी पराठे बेलने हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, मैं आयरन का तवा यूज़ कर रही हूँ तो मैं पहले इसमें हल्का सा ऑयल लगा दे रही हूँ। इसको हम, आप नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं, मीडियम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। ऐसे ही हमने दूसरी लोई ले ली है, इसको भी हम बेलेंगे। और देखिए, मटर को इस तरह सुखाने से क्या होता है, वो फिलिंग जो है अच्छे से भरी जाती है, उसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल सूखी सूखी फिलिंग है, यानी इसमें हमने पानी जो है वो सुखा दिया है, इसलिए हमारे जो पराठे हैं वो आसानी से बन रहे हैं। ऐसे हम ढेर सारी फिलिंग ले लेंगे।
आप चाहें तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ, सिंपल मैंने रखा है। आइए बीच में पराठा चेक कर लेते हैं, तब तक ये देखिए इधर से हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। हम इस पे ऑयल लगा देंगे और जब तक दूसरी तरफ से सिकता है हम दूसरा पराठा बनाएंगे। आप घी यूज कर सकते हैं, पराठे घी के भी बहुत अच्छे लगते हैं। सूखा आटा हमने लगा लिया है, अब हम इसको इस तरह से हाथ से बढ़ाएंगे। हाथ से बढ़ाने से क्या है, फिलिंग जो है वो निकलती नहीं है। आप चाहें तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो फिर बाद में आप बेलन लगाइए। सूखे आटे से डस्ट करके इसको फिर हम बढ़ाएंगे और ये देखिए परफेक्ट हमारा जो पराठा है बनकर तैयार है, बहुत बढ़िया। देखिए आइए पराठा चेक कर लेते हैं। इस पे ऑयलिंग करते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी, कितना बढ़िया ये पराठा लग रहा है। गैस हल्का सा तेज था, हमने उसको धीमा कर दिया है क्योंकि पराठे जो है स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे सिकते हैं। और ये देखिए बढ़िया पराठा, एकदम फर्स्ट क्लास। पोटैटो मेशर से हम इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं और इसको फिर दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक सकते हैं। अब हम दूसरा पराठा डालने जा रहे हैं, इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में और दूसरा पराठा डाल देंगे। ये देखिए अब हम इस पराठे को चेक कर लेते हैं, ये हल्का हल्का सिक गया है। अब हम इसको इसी तरह से ऑयल लगाएंगे दोनों तरफ से, इसको सेक लेंगे, इसको पलट लेंगे। अब हम ये देखिए कितना बढ़िया पराठा, अंदर से हरा हरा कलर, बहुत यमी लगने वाला है। बच्चों को भी खिलाइए, बच्चों को भी ये इस तरह से पसंद आएंगे पराठे। और कुछ रोज नया ब्रेकफास्ट करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। दोनों तरफ से हम इसको हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे, इसको प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप चिमटे का यूज कीजिए ताकि हाथ ना जले। ये देखिए कितना परफेक्ट। ये कैसा आपको खाना है, क्रिस्पी खाना है या थोड़ा सा आपको सॉफ्ट खाना है, उसी तरह से आप सेक सकते हैं। ये देखिए अगर आपको इसको ज़्यादा ब्लैक ब्लैक धब्बे नहीं चाहिए, थोड़ा सा ग्रीन लुक चाहिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और अब हम इसको एक बार और इधर से सेक लेंगे। जरूर आप शेयर कीजिए मेरी वीडियोस, अच्छा लगता है आप कुछ कमेंट लिखते हैं। और अब ये रेडी है प्लेटिंग करने के लिए, तो आइए प्लेटिंग करते हैं। तो अब देखिए आप, एक क्रिस्पी है और एक हल्का सा कम क्रिस्पी है, लेकिन आपको मैं ये दिखाऊं खोलने के बाद कुछ इस टाइप का है। आप देखिए कितना हरा हरा है, काफ़ी फिलिंग है, पतली सी आटे की परत है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत टेस्टी है। और मुझे बताइएगा कि आपके ये पराठे कैसे बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। Thank you.